मिट रही हैं रोहित और सोनाक्षी की दूरियां। सोनाक्षी को मिला रोहित की बाहों का सहारा, है ना कितना रोमांटिक नजारा। वेल, सोनाक्षी को रोहित की बाहों में देख उनके फैंस भले ही खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये पल रोहित और सोनाक्षी के लिए काफी भारी है, क्योंकि सोनाक्षी और रोहित दोनों ही आइस ट्रक में फंस गए हैं और इस बर्फीले ट्रक ने रोहित सोनाक्षी दोनों की ही सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। जी हाँ, सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इन दिनों शो में मर्डर केस वाला ड्रामा चल रहा है। सोनाक्षी को बेकसूर साबित करने के लिए डॉक्टर रोहित भी मिशन पर निकल चुके हैं। वहीं रोहित के गायब होने की वजह से सोनाक्षी भी काफी परेशान है और अब अपने दुपट्टे से मुंह ढककर सोनाक्षी रोहित के दोनों भाइयों के साथ रोहित को ढूंढने निकल पड़ी हैं। रोहित को ढूंढने निकले हैं हम, क्योंकि रोहित लापता हो गया है। वो मुझे मुझ पर जो ब्लेम लगा हुआ है उसे रिजॉल्व करने के लिए, वो मात्रे को ढूंढने के लिए निकला था एंड उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है, इसलिए हम उसे ढूंढे। लेकिन सोनाक्षी ठहरी टीवी पुर की सुपरस्टार, फेवरेट बहू पार्वती, तो मुंह छुपाने के बावजूद भी पार्वती के फैंस सोनाक्षी को पहचान लेते हैं। बस फिर क्या, एक नई मुसीबत में फंस जाती है सोनाक्षी। वो तो शुक्र है कि रोहित के भाई बॉडीगार्ड बनकर सोनाक्षी के साथ इस जासूसी अभियान में निकले हुए हैं। खैर, राहत की बात ये है कि सोनाक्षी के हाथ एक क्लू भी लग गया है कि रोहित कहाँ हो सकते हैं। हाँ, काफी हद तक क्लू मिल चुका है, बट अब बस ये है कि हम उस तक पहुँच जाए और वो ठीक हो, क्योंकि ना उसका फोन लग रहा है ना रवि को कुछ पता है जो कि उसके ड्राइवर है। तो अब बस यही होप है कि वो सही सलामत हमें वापस मिल जाए। और अब देखिए ये नज़ारा, रोहित को ढूंढते ढूंढते सोनाक्षी अब रोहित के साथ एक नई मुसीबत में फंस गई है। एक आइस ट्रक में फंस गए हैं रोहित और सोनाक्षी। आइस ट्रक के माइनस डिग्री टेम्परेचर ने दोनों की ही हालत खराब कर दी है। ठंड से कपकपाती सोनाक्षी को रोहित अपनी बाहों का सहारा दे रहे हैं, साथ ही डांट भी लगा रहे हैं। कोई फिल्म नहीं है ये, इतना लार्जर देन लाइफ सैक्रिफाइस, इतना पागलपने वाला प्यार, ये कमिटमेंट, ये फिकर कौन करता है? ये सब इसे पोइट्री में अच्छा लगता है ना? तुम करते सच्चा प्यार, मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, क्या क्या जानते हो तुम अपनी बात? इतना जानते बस इतना कि 12 साल की उम्र से मैं ससुराल में हूँ। वहाँ पे कि किन्नर आते लोगों से मिलने ये नहीं पता, बुरे बहुत बहुत बुरे। रोहित को भले ही अभी तक सोनाक्षी के लिए अपने प्यार का एहसास ना हुआ हो, लेकिन सोनाक्षी अपने दिल की फीलिंग से अच्छी तरह वाकिफ है। जी, एक्चुअली सोनाक्षी के कारण रोहित जो है वो सारी मुसीबतों में फंस जाता है। उसकी वजह से रोहित सिप्पी की लाइफ जो है वो एक टीवी सीरियल की तरह हो गई है। कभी गुंडों के साथ होता है, कभी गोलियाँ चल रही होती हैं उस पर, और अभी तो एक आइस ट्रक में वो फंस गया बेचारा सोनाक्षी के साथ। खैर, जैसे तैसे सोनाक्षी को बचा ही लेते हैं डॉक्टर रोहित, जिसके बाद सिप्पी हाउस में आज सभी घर वाले रोहित की खिंचाई कर रहे हैं। रोहित, मैंने सुना है कि तुम और सोनाक्षी रात भर मेरे मतलब तुम रात को सोनाक्षी को से हग करके सोए थे। सोनाक्षी कराटे मारती है दीपा की तरह। अच्छा रोहित, ये बताना कि यार वो सीरियल्स में होता है ना, यू नो वो डांसिंग अराउंड द ट्रीज और वो सब, वो कुछ रोमांस वो सब कुछ हुआ या नहीं? और वो रात को वो सीरियल में कुछ क्या माता रानी का नाम लेके सोती है, रियल लाइफ में कैसी करती है क्या? वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी जगह मैं होती ना और किसी हैंडसम हंक के साथ जंगल में फंस जाती, मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती। डांसिंग अराउंड द ट्रीज म्यूजिक डांस, बस कूद कूद के डांस करती कूद कूद। वो तो भला हो वीना माँ का, जिनके आने से रोहित की ये टांग खिंचाई बंद हो पाई। बिल्कुल, मतलब रोहित ने अपने सारे रूप दिखा दिए हैं। रोहित एक अच्छा लड़का, रोहित एक अच्छा पति होने वाला पति, और अभी अभी जो सीन हमने जो हम शूट कर रहे हैं वो ये है कि सोनाक्षी को बचा के रोहित आया है और सब उसको पूरी फैमिली टीज़ कर रही है कि क्या हुआ रात भर में, एंड ही इज़ लाइक
गेटिंग अनॉयड कि क्यों तुम लोग सब मेरे पीछे पड़े हुए हो. सो इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन द होल फैमिली. गणेश चतुर्थी के दौरान मर्डर वाला ड्रामा हुआ था और अब सिप्पी परिवार एक बार फिर सोनाक्षी के घर जाने के लिए तैयार है. बप्पा के विसर्जन में सोनाक्षी के घर जाएगा पूरा सिप्पी परिवार. इसके बाद हम विसर्जन पे भी जाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम गणपति की पूजन के लिए गए थे तो ही इतना कुछ हो गया. सो आई एम श्योर आपको और भी मटेरियल चाहिए देखने के लिए, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब हम विसर्जन के लिए भी जाएंगे सोनाक्षी के घर. उसके बाद फिर आप देखिए क्या क्या होता है. वहीं सोनाक्षी भी बप्पा के विसर्जन और सिप्पी परिवार के वेलकम की तैयारियों में जुटी है. साथ ही बप्पा के साथ अपनी दिल की फीलिंग्स भी शेयर कर रही है. सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ऐसा धागा है जिससे रोहित ने अपनी पूरी जिंदगी बांध ली. नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि रोहित अपनी लाइफ में खुश रहे. वो जो चाहता है उसे वो सब मिले. लेकिन सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं. रोहित खुद जानता है कि कोई उम्मीद नहीं है. भाई आपको नहीं लगता ऐसे में उसे आगे बढ़ना चाहिए? आपको याद है बीना आंटी ने उस दिन क्या कहा था कि रोहित अपनी लाइफ में राइमा को नहीं प्यार को मिस करता. पिछले कुछ दिनों से रोहित कितना अलग है ना. हम सच कहूं तो मुझे ये रोहित बहुत अच्छा लगता. और कुछ नहीं तो कम से कम नॉर्मल इंसानों की तरह तो रिएक्ट करता है ना. अब देखना ये होगा कि क्या बप्पा के आशीर्वाद से रोहित को सोनाक्षी का प्यार समझ आएगा. मुंबई से जारा खान के साथ अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट E24.